तब आपको बताएंगे कि फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन 2016 की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 259 तलबा में डिग्रियां, 36 तलबा को गोल्ड जबकि 27 को सिल्वर मेडल से नवाजा जाएगा। मजीद जानेंगे वकार घुमन से। जी वकार घुमन, तकरीब के हवाले से आगाह कीजिएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी के आज पहले कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया था और आज के इस कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी थे वाइस चांसलर फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सरदार फहर इमाम और इसके अलावा रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत और इसके अलावा प्रो वाइस चांसलर आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फैकल्टी और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की कसर तादाद ने आज के इस कॉन्वोकेशन में शिरकत की और इसके अलावा 249 ग्रेजुएट्स को आज यहाँ पर डिग्रियाँ तकसीम की और उनमें से 36 लोगों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किए और इनमें 27 लोगों को सिल्वर मेडल दिए गए हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उनका ये कहना था कि उनकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिन है, एक यादगार दिन है, ये वो ऐसा दिन है जिसका उन्हें सारी ज़िंदगी इंतज़ार रहता है और आज उनको उनकी जो 6 साल की मेहनत है उसका फल मिला। पेरेंट्स जो यहाँ पर मौजूद थे उनका भी यही कहना था कि उनका जो एक ख्वाब था उनकी बेटी डॉक्टर बने वो आज पूरा हो गया, आज उनको यहाँ पर जो डिग्रियाँ मिली हैं और इस हाल से वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वाइस चांसलर ने भी यहाँ पर खिताब करते हुए तलबा को यही इंसिहत की कि फील्ड में जाकर लोगों की खिदमत के लिए मुल्क की खिदमत करें और इस हवाले से जो उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है इसको बड़े कार लाएँ। आज की इस तकरीब में जितने भी लोग थे वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे कि आज उनको उनकी मेहनत का सिला मिल गया। जी बहुत शुक्रिया वकार गुमन, हमें तफसलात से आगाह कर रहे थे।